it up. रॉयल एनफील्ड के अंदर आप ये वीडियोस अगर देख पा रहे हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं इंक्वायरी करने, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, एक कंप्लीट रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर हमें यहाँ पे गार्ड्स मिलेंगे, हैंडल बार्स मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, अलॉय व्हील्स जो हमारे पास आते हैं, रोड जो आती हैं रॉयल एनफील्ड की, ट्रेपिजियम हैंड गार्ड्स जो हैं सारे के सारे, ये हमारे बाइक कवर्स जो आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में हमें रॉयल एनफील्ड की जो टी शर्ट्स की जो रेंज है हमारे पास, मेड लाइक ए गन जो है, जब मैं बात करूँ टूरिंग एक्सपीरियंस की जो टी शर्ट्स हैं, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद कंप्लीट रेंज ऑफ हेलमेट्स अपने पास, स्पोर्टी लुक के अंदर, मेड लाइक गन प्रिंट के अंदर, ब्लू कलर, एयरबोन कलर, स्टॉर्म राइडर स्टैंड, ये सारे के सारे कलर्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन यहाँ पे अपने को केयरिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, गोगल्स हैं, हेड गियर हैं, उसके बाद मास्क हैं, पिन हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और ये स्केल मॉडल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे रॉयल एनफील्ड के। राइडिंग जैकेट्स अवेलेबल होंगी रॉयल एनफील्ड की, जिसको हम कहीं भी अगर राइड्स के लिए जा रहे हैं तो हमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद देख रहे हो आप ये ग्रीन के अंदर, मैटे ब्लैक के अंदर हमें हेलमेट्स की कंप्लीट रेंज है यहाँ पे अपने पास, वाइट्स के अंदर भी प्रिंट हैं। देन ये कैप्स हैं रॉयल एनफील्ड की, यहाँ पे हमारे पास कलर की भी काफ़ी ऑप्शंस है, ये वाले येलो में है, ग्रे के अंदर है, एंड ये वाले हेलमेट्स हमें मिलेंगे। साइड में आप यहाँ देख रहे हो ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स जो हमारे पास आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में ये टी शर्ट्स, शर्ट्स, देन अगेन टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स की बात करूँ, ये रॉयल एनफील्ड के मेटल जो कप्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे यहाँ पे। मैं बात कर रहा था इनकी राइडिंग ग्लव्स की, साथ में रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन यहाँ पे जैकेट्स हमें अवेलेबल होंगी। देन ये कंप्लीट बैग्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं ना वीरेंद्र, और गाइस आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल वीरेंद्र राठी। तो भाई आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, पहला बाइक रहेगा 350 स्टैंडर्ड, गाइस जो सेकंड बाइक रहने वाला है वो है हिमालयन। आज हम इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन दिखाएंगे कि बताएंगे आपको कौन से बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। भाई अगर आपको इस ब्रांड का कोई भी बाइक चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे ना एक नंबर मिलने वाला है जिनका नाम है मिस्टर जतिन, आप उनको कॉल कर सकते हैं और आपको बेस्ट डील मिलने वाली है। तो गाइस आप ये वीडियो एंजॉय करें। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आप ये रॉयल इनफील्ड की हिमालयन देख रहे हैं नंगे भैया से, जो आज हमें यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। हेलो भैया। हेलो, आपका गुड नेम? अमित शोरान। हो गए तो भैया, आज आप ये कौन सी बाइक हमें दिखाओगे? आज आपके सामने है हिमालयन का बिल्कुल जो न्यूली लॉन्च मॉडल है, ग्रेवल ग्रे कलर आपके सामने है, 2021 का ये मॉडल है, बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड। मैं इसके बारे में आपको सारी स्पेसिफिकेशन, सारी डायमेंशंस और सारे इसके फीचर्स बताऊंगा। अब आप बाइक को देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने, हम इसे फ्रंट से साइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ न्यू हिमालयन के अंदर जो दी गई है वो इसकी टोल फ्लाई स्क्रीन दी गई है। ये एक एडवेंचरस बाइक है, तो इसलिए हम जब राइडर पीछे होता है और अगर वो क्रूज करता है 80, 90, 100 की स्पीड पे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इसके अंदर। फिर अब आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पे जो अपनी लाइट्स हैं ये फ्रंट के अंदर, ये हेलोजन के अंदर दी गई है। यहाँ पे जो टोल सस्पेंशन दिया गया है ये सबसे इसका नया फीचर है, टोल सस्पेंशन है, क्योंकि ये ऑफ रोड भी बाइक यूज़ की जा सकती है। देन उसके बाद हम मड गार्ड्स हैं, ये इसके प्लास्टिक्स के अंदर हैं, और आप देख सकते हो ये इनबिल्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ ये इनबिल्ट है। और जो फ्रंट के अंदर जो टायर्स हैं अपना,
ये 21 इंच का टायर है, काफ़ी बड़ा टायर आता है ऑफ रोड के अंदर। इसके टायर्स भी आप देख सकते हो बिल्कुल न्यूली डिज़ाइंस हैं। देन उसके बाद सस्पेंशंस, यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गए हैं। और ये स्पोक्स में क्यों आती है? स्पोक्स में इसीलिए आती है क्योंकि हमें इसे ऑफ रोड के अंदर अंडर वाटर अगर कोई हिली टेरेंस है वहाँ पे इस बाइक को हम यूज़ कर सकते हैं। रिम आपको ब्लैक के अंदर मिलेगा, विद ट्यूब्स ये टायर्स आपको मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड से एनग्रेव्ड, ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है इसके अंदर। और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी स्क्वेयर के अंदर, हेलोजन के यहाँ पे इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं। कलर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, सबसे पहली चीज़ हिमालयन 2021 मॉडल में 411 सीसी का इंजन आता है। और आप इंजन का देख सकते हो ये मार्क काफ़ी प्यारा लग रहा है इसके अंदर। सिंगल स्लेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन आएगा। अगर मैक्सिमम पावर ये जो गाड़ी हमारी दे सकती है वो दे सकती है 24 BHP, और मैक्सिमम टॉर्क जो होगी वो 32 Nm की इस गाड़ी के अंदर टॉर्क आएगी। फ्रंट ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स के अंदर है, यहाँ पे ABS इनमें इंक्लूड किया गया है। आप साइलेंसर का भी लुक देखोगे, बिल्कुल ही अलग लुक के अंदर ये साइलेंसर है पीछे तक, और ये यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है। उठा हुआ क्यों है? क्योंकि अगर हम बाइक को अंडर वाटर भी यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर उसके बाद जो आप इसके बैक रेस्ट देख सकते हो ये थोड़े से पीछे दिए गए हैं। अगर नॉर्मल बाइक्स में देखा जाए तो वो यहाँ तक आते हैं, ये थोड़े से पीछे दिए गए हैं। इससे क्या होता है, राइडर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर वो खड़ा भी होना चाहे बाइक के ऊपर तो वो उस तरीके से भी राइड कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा बैक वाले टायर के पास आएंगे तो ये आप देख सकते हो ये जो टायर है ये 17 इंचज का है, लेकिन टायर की डिज़ाइनिंग ऑफ रोड के अंदर प्रॉपर तरीके से दिख रही है अपने को। ऑफ रोड में जो टायर्स यूज़ होते हैं वही टायर्स के अंदर यूज़ हैं। स्पोक्स ही हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है, और विद डिस्क ब्रेक ABS इसके अंदर डाला गया है। बैक के अंदर आप देख सकते हो मडगार्ड जो है वो काफ़ी ऊपर उठाया गया है क्योंकि गाड़ी को हम ऑफ रोड के लिए एडवेंचर टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात इस व्यू की बात करूँ आपको, पहले सीटिंग की बात कर लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट कुशन के अंदर सीटिंग को हमने यहाँ पे मोबिलाइज किया है। सीटिंग को आप अगर आप देखोगे काफ़ी कुशन है, ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो सॉफ्ट है। और पैवेलियन के लिए भी पीछे राइडर के लिए तो अच्छी सीटिंग दी गई है, थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर पीछे कोई पर्सन और भी बैठा है यहाँ पे तो उस वो यहाँ पे 7 kg तक वेट भी यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्राइब किया गया है कि इसके अंदर कैरी किया जा सकता है। अगर मैं आपको इस व्यू की बात करूँगा, मैं थोड़ा सा आप इसे देखिए इस तरफ से, यहाँ पे हिमालयन का प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग है, वही लुक यहाँ पे है। गेयर्स इसके अंदर एक नीचे बाकी 3 पीछे की तरफ दिए गए हैं। ग्रेवल ग्रे कलर है। और टैंक की मैं अगर कैपेसिटी की बात करूँगा, टैंक 15 लीटर का है। इंजन की अगर मैं सीसी की बात करूँगा वो 411 सीसी का इसके अंदर इंजन दिया गया है। देन ये वही एनग्रेविंग यहाँ पर आपको दी गई है रॉयल एनफील्ड की, बहुत ही ज़बरदस्त। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर सम्प गार्ड भी दिया गया है इंजन की प्रोटेक्शन के लिए। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर फिटेड आता है, हमें वापसी फिट नहीं करवाना पड़ता। अब मैं बात करता हूँ इसके इंडिकेशंस की। जो हैंडल बार है वो एज इट इज़ ही है जो पुराने उसके अंदर आया करता था। मिरर्स हैं जो, वो यहाँ पे नॉर्मल मिरर दिए गए हैं। बात करता हूँ मैं आपको इंडिकेशंस की। अब आपके सामने यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों के अंदर इंक्लूड किया गया है। और 2021 के अंदर हमें नेविगेशन भी मिल गया है रॉयल एनफील्ड के अंदर। अब आप देख सकते हो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, फ्यूल गेज इसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद आप स्पीडिंग देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रिप नज़र आ जाएगी। गियर, ये गियर का है कि अभी कोई गियर इस गाड़ी के अंदर नहीं डला हुआ है। और ट्रिप आपको दिखा देगा कि 3 किलोमीटर के अंदर ऑटोमेटिक एवरेज स्पीड दिखा देगा ये। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ABS को, हम आप देख सकते हो थोड़ा सा जूम करेंगे ABS का यहाँ पे ब्लिंक है। ये जो ABS है ये ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम। ये आया किस लिए फीचर है, अगर हम इस बाइक को एडवेंचरस के तौर पे टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने स्किट मारनी है तो हम इसका ABS ऑफ कर देंगे, जिससे हमें हेल्प होगी, पीछे वाला टायर हमारा स्किट कर पाएगा गाड़ी का। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर न्यूट्रल गाड़ी है, इंडिकेशन हमारे जो हैं लेफ्ट और राइट के जो इंडिकेशन हैं वो प्रॉपर है। उसके बाद एक चीज़ जो है इसमें हैजार्ड लाइट है, जो वो इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है। हैजार्ड लाइट का आप देख सकते हो, वार्निंग लाइट जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है इसके अंदर।
उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगल शेप में बहुत ही प्यारा लुक देते हैं यहाँ पे गाड़ी को। और बाकी तो फीचर्स अगर बात करूं मैं, ये पासिंग का फीचर आ गया जो नॉर्मल रूटीन के अंदर हम यूज करते हैं ऑन एंड ऑफ के। अब BHK साउंड है वो सुना रहे हैं हमें कि साउंड के मामले में काफी अच्छा काम किया है। गाइस प्लीज बताना कि आपको बाइक की साउंड है वो कैसी लगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड्स के अंदर जो हमें फीचर मिल रहा है इसका गाड़ी का, इसके अंदर हमें सीट का ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमने रखने हो हम यहाँ रख सकते हैं। इसे जस्ट हमने यहाँ पे फिट करना है और ये गाड़ी के अंदर आराम से फिट हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, प्लीज आप एक पैसा कमेंट करना आपको इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आप ये बुलेट 350 देख रहे हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि आपको एवरग्रीन है। अब से लेके जब से बाइक आई थी जब से ये मॉडल कंटिन्यू चला हुआ है बुलेट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा सेल होता है अपने सेगमेंट के अंदर। और इस बाइक की मुझे इतनी कोई बताने की जरूरत नहीं कि आपको सभी को पता है कि ये बाइक कितना ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर। और आज हम इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो कि आज हम यहाँ पर होस्ट करने वाले हैं। हेलो भैया। हेलो, आपका गुड नेम? अमित चौहान। तो आज हमें अमित भैया यहाँ पे होस्ट करेंगे, बताएंगे इनके बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन। या बाइक के बारे में जाने से पहले आपसे बात करता हूँ अपने ब्रांड के बारे में। अपना ब्रांड कब से इंडिया के अंदर? अपना ब्रांड 1901 से स्टार्ट हुआ था लेकिन इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था 1955 के अंदर। उसके बाद से कंटिन्यूसली रन कर रहा है इंडिया में टिल डेट तक। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में अगर बात किया जाए 350 सेगमेंट के अंदर रॉयल एनफील्ड की एक अपनी अलग जगह है। जो बाइक की मैं बात करूं आपके सामने है रॉयल एनफील्ड का, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बुलेट 350 सीसी का स्टैंडर्ड 1932 से जो मॉडल एज इट इज़ चलता आ रहा है। भैया बात करें हमारी बाइक की इंजन स्पेसिफिक की, वो हमें क्या मिलते हैं भैया? जो इंजन की मैं बात करूं यहाँ पे सिंगल सिलेंडर के अंदर इंजन रहता है, यहाँ पे फोर स्ट्रोक के अंदर 350 सीसी का क्रोम फिनिशिंग के अंदर ये हमारा इंजन रहता है कंप्लीट का कंप्लीट। और उसके बाद मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूं तो क्रोम फिटेड के अंदर ये हेडलैम्प्स हैं बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ में। देन उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स पे, ये भी क्रोम फिनिशिंग में दिए गए हैं, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं जो एज इट इज़ पुराने टाइम से एज इट इज़ चलता आ रहा है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग के अंदर फ्रंट मडगार्ड आ जाता है। और उसके बाद मैं फ्रंट की बात करूं तो क्रोम के अंदर ही ये स्पोक्स का रिम आता है, साथ में फ्रंट में डिस्क आ जाती है ABS सिस्टम के साथ फुली लोडेड। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट के टाइगर लैंप्स की जो इसकी अलग से यूनिक लुक देते हैं, साथ में ब्लैक के अंदर ये फिनिशिंग में मिरर्स हमें आते हैं, साइड मिरर्स मिलते हैं। ओके भैया, गाइस प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की फ्रंट लुक है वो कैसी लगी। अब चलिए भैया से जानते हैं हमें साइड लुक के अंदर में क्या मिल रहा है। भैया साइड लुक की मैं बात करूं तो ये ओरिजिनली जो रॉयल एनफील्ड का हैंड पेंटेड हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में आर्ट मिलती है, साथ में ये क्रोम के अंदर जो एज इट इज़ ब्रांड का वैल्यू शो करता है ये क्रोम के अंदर हमें यहाँ पे लुक मिलता है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग का गार्ड्स यहाँ मिल रहा है। और आप देखिए इसकी फिनिशिंग क्रोम में ही रहती है कंप्लीट, साइलेंसर की भी। ये ब्लैक का जो बुलेट एक्स के अंदर यहाँ पे जस्ट एक स्टिकर रहता है लेकिन ये क्रोम के अंदर हॉलमार्क है यहाँ सारा कंप्लीट का कंप्लीट। भैया हमें इसके अंदर सेंसर कितने मिलेंगे, कौन कौन से हमें सेंसर मिलेंगे? इसके अंदर हमें तीन सेंसर मिलते हैं, एक तो हमें कार्बोरेटर बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया है, साथ में जो पटाखे वाला सिस्टम था वो भी यहाँ पे एक बार बंद कर दिया गया है। ये सेंसर लगा दिया है जिससे बैक साइड में आप पटाखे नहीं जा सकते, जस्ट हम ये आवाज़ जो थंब है इसकी वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बाहर से ऑफ मार्केट में हम नई यहाँ पे एक जो फिट करवा सकते हैं बैक पाइप। उसमें मैंने सुना है भैया उसके कारण आपका जो इंजन है उस पर इफेक्ट आता है? बिल्कुल इफेक्ट जरूर आता है क्योंकि वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे हमें शो होगा, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी येलोइश होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उससे हमें बाइक की वारंटी का इशू आएगा ना भैया? बिल्कुल, हम वारंटी को छेड़छाड़ अगर हमने यहाँ से कोई भी छेड़खानी की है ना तो हमारी वारंटी से हम बाहर हो जाते हैं। सस्पेंशन की मैं बात करूँ क्रोम के अंदर यहाँ पे ये सस्पेंशन दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है, यहाँ पे छोटा सा कवर दिया गया है। और बैक के अंदर हमें यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक ABS मिलता है, पीछे ड्रम ही मिलता है हमें। अब मैं बात करता हूँ सीटिंग की, तो एज इट इज जो सीटिंग है कंप्लीट प्यारी सी सीटिंग है इसकी विद यहाँ पे लाइनिंग्स के साथ में, और पीछे ये गार्ड दिया गया है, हैंड गार्ड है ताकि जो राइडर जो पीछे बैठा है उसको परेशानी ना हो। उसके बाद में क्रोम के अंदर ही ये कैप दी गई है जो टैंक को बहुत ही प्यारा लुक देती है। अब इसका टैंक है वो 13.5 लीटर का डिज़ाइन किया गया है। अगर भैया मैं आपसे पूछूं इसकी हमें लेंथ हाइट विड्थ
व्हील बेस ग्राउंड क्लियरेंस वो हमें कितना मिल जाएगा? हाँ, मैं बात करता हूँ जो लेंथ इसकी रहती है वो 2170 mm की लेंथ रहती है, और जो हाइट की मैं बात करूँ वो 1120 की यहाँ पे जो हाइट रहती है सैडल हाइट, विड्थ की मैं बात करूँगा वो 810 मीटर की mm की इसकी विड्थ रहती है, ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहती है, और वेट जो रहता है वो 186 kg का वेट रहता है, और व्हील बेस की मैं बात करूँ तो वो 1395 mm का रहता है। गाइस प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की साइड लुक है वो कैसी लगी। अभी हम बात करते हैं बाइक की बैक लुक से, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? बैक के अंदर आप देख पा रहे हो क्रोम के अंदर ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं, साथ में ये मड गार्ड के ऊपर का स्टिकर दिया गया है और दोनों ही क्रोम के अंदर है, साथ में ये पीछे लाइट दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ में, और प्लस में ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। अगर भी हम बात करते हैं इसकी स्पीडोमीटर के बारे में, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? स्पीडोमीटर आप देख सकते हो जो पुराने टाइम से स्पीडोमीटर है एनालॉग ही जो, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है इसके अंदर, जो स्पीड 160 मैक्सिमम शो करता है। साथ के अंदर हम देख सकते हैं तीन सेंसर हैं, ये पेट्रोल के लिए इंजन को ऑन ऑफ करते हैं, और एक ABS का यहाँ पे है। साथ में आप देख सकते हो ये हेडलाइट्स को ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में, ये हॉर्न के लिए है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेशंस, एंड ये इंजन के ऑन ऑफ में, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं मिलता। प्लीज़ आप एक पैर ऐसा कमेंट करना कि आपको बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लगी। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों बाइक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जान ली है मेरे द्वारा, बताना कि आपको कैसी लगी। और गाइज अगर आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, देख क्या रहे हो आप किस स्क्रीन पे मेरे हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नए वीडियो साथ, और गाइज बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। आपका वीरेंद्र भाई आप सभी के लिए वो वीडियो जरूर लेके आएगा। बाय बाय।